अस्सलाम वालेकुम। आज बनने वाली है सिंपल और इजी वे में बनने वाली चिकन बिरयानी, ताकि स्टूडेंट्स और बैचलर को बिरयानी बनाते वक्त ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। बिल्कुल आसान से बनने वाली है, झटपट बन जाएगी और बहुत ही बेहतरीन लजीज बनकर तैयार होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चिकन का मैरिनेशन स्टार्ट कर लेंगे, जिसके लिए हमने ली है 500 ग्राम चिकन। अब उसमें 3 चम्मच जिंजर और गार्लिक पेस्ट डालेंगे। फिर उसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। उसके बाद 1/2 चम्मच गरम मसाला, फिर उसमें 2 चम्मच मैंने नमक डाला है, आप अपने अनुसार नमक डाल सकते हैं। 4 से 5 चम्मच दही, और 1 नींबू। अगर आपने बड़ी वाली नींबू ली है तो आप 1/2 नींबू रखें। अब चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो इसे 5 से 10 मिनट कवर करके रख दें, अगर नहीं तो फिर बनाना शुरू करें। अब 2 बड़े प्याज को स्लाइस में कट कर लेंगे। मैंने 3 कटोरी चावल को वॉश करके पानी में 15 मिनट पहले फूलने को रख दिया था। अब 1 कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे और उसमें 4 बड़ी चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप चाहे तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तेल गरम हो जाने के बाद उसमें कटी हुई प्याज को डाल देंगे और उसे ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे। ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हल्का गोल्डन दिखना चाहिए। Thank you.
प्याज गोल्डन ब्राउन हो रही है तब तक हमने 5 आलू को अच्छे से छील के 2 पीसेस में कट कर लिया है और उसे चिकन में डाल के चिकन के मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले आलू में भी आ जाए और टेस्ट बहुत अच्छा आए। जब प्याज हल्की गोल्डन हो जाए तब इसमें 1 दालचीनी, 3 से 4 छोटी इलायची और 5 से 6 लौंग डाल देंगे। खड़े मसाले जब रोस्ट हो जाए और प्याज भी गोल्डन हो जाए तब उसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन और आलू डाल देंगे। अब चिकन को और आलू को थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे। बोल में मसाले बचे हुए थे तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल दे और फिर कढ़ाई में डाल के 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर करके चिकन और आलू को पकने दे। पंद्रह मिनट हो चुकी है, आलू और चिकन दोनों गल चुके हैं, दही का पानी भी सूख चुका है तो इसे हाई फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे। अभी चिकन में थोड़ा सा पानी है तो इसे थोड़ी देर और रोस्ट करके पानी को सुखा लेंगे। अब कढ़ाई में 4 हरी मिर्च डाल देंगे।
चिकन रोस्ट हो चुकी है तो हमारी कढ़ाई छोटी है तो हम इसे एक बड़ी हांडी में ट्रांसफ़र कर देंगे। मैंने 3 कटोरी चावल ली थी तो उसके डबल पानी डाल देंगे 6 कटोरी। पानी डालने के बाद इसे उबाल आने तक कवर करके रख देंगे हाई फ्लेम पे। हमारी चिकन को उबलने में 4 मिनट लगी है तो अब इसमें भिगोई हुई चावल डाल देंगे। हमने बासमती चावल ली है। अब इसे मिक्स कर ले। अब इसे 5 मिनट के लिए कवर करके हाई फ्लेम पे छोड़ दे। पाँच मिनट हो गई है। अब आप यहाँ पे अपने चावल को टेस्ट करके देख ले, अगर वो फीकी लगे तो उसमें नमक डाल दे स्वाद अनुसार। चावल 80% कुक हो चुकी है और पानी भी सूख गया है तो फ्लेम को लो कर ले और इसे 3 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दे। 3 मिनट हो चुकी है तो इसे थोड़ा चला लेंगे और फिर इसमें बटर या फिर घी डाल देंगे। अब इसे लो फ्लेम पे कवर करके चावल पकने तक पकाएंगे। बटर डालने के बाद चावल को पकने में 12 मिनट लगी है। चावल 100% कुक हो चुकी है, गल भी चुकी है तो अब इसमें धनिया डाल देंगे और फूड कलर डाल देंगे। अब गैस ऑफ कर लेंगे और इसे
कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुकी है तो अब इसे सर्व कर लेंगे। चावल बहुत खिली खिली हुई है, आप देख सकते हैं। बिरयानी बहुत खिली खिली बनी है, चिकन भी अच्छी तरीके से गल चुकी है, जूसी हो रखी है, आलू भी अच्छे से गली है। बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत ही लजीज और खिली खिली बनी है, कम इंग्रेडिएंट के साथ और कम मेहनत के साथ लगभग 30 से 40 मिनट में बहुत टेस्टी बनी है। सारी चीज़ें अच्छे से कुक्ड हुई हैं, तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो और ज़्यादा इंग्रेडिएंट अवेलेबल ना हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।